खेसारी लाल के अपने यूट्यूबर जो खेसारी लाल जी के लिए दिन रात माँ की बहन की गालियाँ सुनते हैं वो झाटू किस्म के लोग हैं। खेसारी लाल के नज़र में उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठेंगा वैल्यू है। सॉरी खेसारी लाल के नज़र में वैल्यू है, उनके टीम के नज़र में झाटू समझते हैं। टीम खेसारी टीम यूट्यूबर्सों को झाटू समझते हैं, झाट का बाल है ये लोग, शरीर का ये मैला है ये लोग, इनको दूर रखो। चलिए आपको पूरा समझाता हूँ क्यों दिमाग खराब है, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। सुबह सुबह वीडियो बना रहा था, अचानक से मेरे मित्र गोलू बाबा का फ़ोन आता है। गोलू बाबा बात करते करते रो दिए, वो भावुक हो गए। जानते हैं आज पहली बार अपने दोस्त के आँख में मैंने आंसू देखा है, अपने एक ऐसे दोस्त जो कि कभी मेरे से स्वार्थ के भावना से नहीं मिलता है, वो बंदा एकदम खुशमिजाज इंसान है। देखिए कौन किसको सपोर्ट करता है उससे मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों का रिलेशन बड़ा तगड़ा है, दिल से दिल का कनेक्शन है भाई वाला। तो आज बोलते बोलते वो रो दिया। शुरुआत ऐसे होती है, गोलू बाबा बोलते हैं कि भाई हम गए थे खेसारी जी के प्रोग्राम में और खेसारी भैया ने पैर छुआ। मैंने बोला अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, आपका तो मतलब सपना पूरा हो गया होगा। बोले भाई ये तो कैमरा पे दिख रहा है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा इंसल्ट हुआ, इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा इंसल्ट फील होगा। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई, तो उन्होंने बताया कि बहुत कुछ बताया, ठीक है, कि खेसारी लाल के साथ एक फ़ोटो खींचना चाहते थे लेकिन विवेक सिंह भैया उनको बहुत बड़ा मैंने बेइज्जती कर दी है बाबा का, बाबा को बहुत बुरा लगा ये चीज़ का। और उसके बाद और भी कुछ बहुत सारी बातें थी कि बाबा गए तो बाबा सब यूट्यूबर्स को बुला के खाना खिलाया गया, माइक में अनाउंस करके बाबा को पूछा तक नहीं गया। और बाबा लास्ट में खुद से जाके बोलते हैं कि भैया भूख लगा है, कहीं कुछ कोई अरेंजमेंट है, तब उनको मतलब कुत्ते की तरह ऐसे टाइप का। तो बाबा मतलब बोलते बोलते रो दिए। आज बाबा ये बोल रहे थे, और बाबा ने मुझे एक फ़ोटो भी भेजा था शुभम सिंह का। जी हाँ, शुभम सिंह आप देखे होंगे, शुभम सिंह ऑफिशियल एक चैनल है जो कि पवन सिंह के साइट के यूट्यूबर हैं, और पवन सिंह का वो काफ़ी अच्छा न्यूज़ बनाते हैं। उनके काम करने के तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना दिशा में काम कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है। देखिए आज एक थंबनेल वो लगाए थे और बाबा मुझे भेजे भी हैं, और आप सोचेंगे मैं थंबनेल क्यों दिखा रहा हूँ। इस थंबनेल में उन्होंने खेसारी लाल को कुत्ते से कंपेयर किया था और खेसारी लाल को चोर कहा था। कहा था कि मैंने तो अभी आपका इंटरव्यू लिया, आप इतना अच्छा बात करते हैं लेकिन आप बहुत बड़ा पलटू राम है, बहुत कुछ बोला था। और बाबा मुझे ये भेजे, बाबा मुझको ये पूछ के बोल रहे थे कि देखिए ये शुभम सिंह को इंटरव्यू देते हैं, ठीक है इंटरव्यू दिया कोई दिक्कत नहीं है, अपने यूट्यूबर्स को झाटू समझ रहा है। क्या एक यूट्यूबर फोटो नहीं ले सकता खेसारी जी के साथ? आज माँ बहन की गालियाँ पवन सिंह के फैंस से सारे जहान से सुनते हैं। ये वीडियो अगर किसी का गेस्ट बना दो तो पवन सिंह के फैंस आके माँ बहन कर देते हैं, सारे लोग गाली देते हैं। अपने माँ की गाली सुनना, बहन की गाली सुनना क्यों? सिर्फ खेसारी लाल जी को आगे रखने के लिए। खेसारी लाल जी क्या कोई पेमेंट करते हैं इनको? और इस YouTube से कितना कमा लेते होंगे यूट्यूबर, आपको क्या लगता है? घर चल जाता है हम लोगों का, 5,000, 7,000, 10,000 भी किसी के कभी नहीं बनते हैं, एक बात की बात। लेकिन एक होता है कि नहीं, अपने अपने स्टार को आगे रखना है, तो क्या एक स्टार के टीम का ये फर्ज नहीं बनता कि एक फ़ोटो दिलवा दे? लास्ट में जानते हैं क्या हुआ, ही कहते हैं ना कि इत्तेफाक, फ़ोटो तो नहीं मिला लेकिन देखिए संजोग देखिए, खेसारी लाल जी बाबा को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा का पैर छू लेते हैं। यही कहते हैं कि जब ईश्वर साथ हो ना कोई कुछ नहीं कर सकता, और खेसारी जी जब पैर छूते हैं वो वीडियो में कैद हो जाता है और महेश पांडे वो वीडियो डाल देते हैं। तो मैं जब बाबा से प्रश्न करता हूँ कि ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बाबा बोलता है कि नहीं ये तो ईश्वर का देन था कि मतलब ऐसा संजोग आ गया, नहीं तो मुझे कुत्ता की तरह ट्रीट किया गया, कुत्ता की तरह, और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। तो सच में बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग सुनकर ना बहुत बुरा लगा। हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, हम लोग भी एक इंसान है, हम लोग के अंदर भी एक हृदय है। आज देखिए पवन सिंह के यूट्यूबर जो भी हैं कितना पवन सिंह जी सवार के रखते हैं, कुछ भी इवेंट होता है उनको बुलाया जाता है, फैंस को बुलाया जाता है, और कितना मिलकर काम करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स को देखिए सब एक दूसरे का टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं और कोई इज्जत नहीं है, तो साला थू है हम लोग की ज़िंदगी पे। क्या वीडियो बनाएंगे? अब बाबा को इतना दुख, बाबा रोने लगे, आज भुकार भुकार के रो रहे थे। अब बताइए ये सही है कि नहीं? पवन सिंह के फैंस भी पूछता हूँ, क्या ये सही है पवन सिंह जी के फैंस, खेसारी जी के फैंस, आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।